गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में रोशना और तौसीक कहेंगे। वेलकम 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 जी तौसीक। और आपने एनर्जेटिक का वर्ड यूज किया, लेकिन आज मैं इतनी एनर्जेटिक नहीं थी क्योंकि मैं हो गई लेट। मेरे साथ हुआ एक मिसहैप, और वो मिसहैप ये था कि मेरे फोन का अलार्म जो है वो नहीं बजा, मुझे पता नहीं चला। भागम भाग मैं ऐसे भाग भाग के आई, और जब मैं यहाँ पहुँची तो बहुत लेट हो चुका था। 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से तैयार हुई। वैसे ये थोड़ी नामुमकिन सी बात है कि खवातीन 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। वैसे कैमरा माशाल्लाह से क्लोजअप पे है, और इस तैयारी को ज़रा अगर आप तफसीलन इसका मुलाहिजा फरमाएं नाज़रीन, तो आप ख़ुद बताएँ अपने आप को, अपने ज़मीर की आवाज़ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ज़रा मिड कट कीजिएगा। ये 5 मिनट की तैयारी लग रही है कहीं से? बिल्कुल ये है 5 मिनट की तैयारी, क्योंकि मैं आधे से ज्यादा जो है रास्ते में तैयार होके आई। मनने वाली गलत है तो नहीं, लेकिन तुसी कहंदे हो तो मन लेने। नहीं जी, मैं गवाह हूं। वाकई आज रोशना लेट हो गई थी, बल्कि हम तो प्रोडक्शन टीम में सोच रहे थे कि आज बस इसी तरह ही कुछ करना पड़ेगा। बट ये जो सारा गड़बड़ है ना, ये मसला पता किसका है? ये है घड़ी का मसला। ना घड़ी ईजाद हुई होती, ना अलार्म ईजाद हुआ होता, ना कभी हम लेट होते, ना अर्ली होते। वैसे वो भी एक दौर होगा जब कैलेंडर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, घड़ी नहीं होगी, घड़ी नहीं होगी। एक बस सुबह हुई है और शाम हुई है और रात हुई। वैसे 2 मिनट के लिए सोचें, कोई उम्र नहीं है कि कोई 25 साल का हो गया या 45 साल का हो गया या 70 साल का हो गया। ना उम्र है, ना कैलेंडर है, ना घड़ी है। वाओ, क्या खूबसूरत सी दुनिया और जिंदगी होगी। नहीं मतलब उसमें नंबरिंग वाली चीज है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन ये कब से शुरू हुआ? कब घड़ी ईजाद हुई? ये किसने फैसला किया कि 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट होंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होंगे, व्हाई नॉट 50? मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता यार 50 ज्यादा आसान है याद रखना, 60 क्यों? तो ये सब कहानी कब से शुरू हुई? ये सब कहानी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, इसके बारे में हमें बताएंगे आज हमारे किड सेगमेंट में MBA। और वो आके बताएंगे कि जी घड़ी कैसे ईजाद हुई, टाइमिंग किस तरह से सेट हुई, कैलेंडर कैसे ईजाद हुआ, और बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके दिमाग में आ गई होगी इस सब को सोच के कि भाई ये कैसे हो गया। जैसे अभी तौसीक ने बताया कि कैसा ज़माना होगा कि टाइम नहीं होगा, एज का वो नहीं होगा, सारी चीज़ें बड़ी आसान नहीं होंगे, डेट्स नहीं होंगी, है ना? आज सैटरडे है कि मंडे, ट्यूजडे है या वेंसडे, सब बराबर एक जैसे, हर दिन नया दिन। और ये आप सभी को मालूम है कि MBA हमारे वो शहजादा है राइजिंग पाकिस्तान का, जो बहुत ही अच्छी रिसर्च करके बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए सेगमेंट सजा के लाता है, मोहम्मद बिन आसिम। तो आज MBA कुछ घड़ियों और कैलेंडर की कहानी हमारे सामने राइजिंग पाकिस्तान में अनफोल्ड करने चले हैं। लेकिन इसके अलावा आपके सोशल मीडिया मैसेजेस भी होंगे, आपकी भेजी गई तस्वीर और पेंटिंग से भी हम प्रोग्राम को सजाएंगे। इसके अलावा क्या है रुशना? इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे और आप सबके फेवरेट भी हैं, लेकिन वो आते हैं तो कोई ना कोई जो है ना हमारे लिए एक मिस्ट्री जो है वो भी अनफोल्ड कर देते हैं। और फहद मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। फहद का आज का टॉपिक बड़ा सा डिफरेंट सा है, और क्या डिफरेंट है बताएं जी? डिफरेंट ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लास्ट वीक MBA ने भी इस पे हमें ChatGPT के ऊपर बताया था कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसके क्या खतरात हैं जो लाहक है इंसानियत को, जिससे हमने बच के चलना है। लेकिन फहद ने आज उसका एक और रुख हमारे सामने रखना है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अपने काम, अपनी जिंदगी, अपने रहन सहन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, यानी AI का फायदा, कोट अनकोट फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, चाहे वो पैसा कमाने की सूरत में हो, अपने प्रोफेशन में हो, अपनी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में। तो AI को पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त फीचर लेके आ रहे हैं फहद मलिक, जो कि सोशल मीडिया के गुरु हैं। और हम सब तैयार, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं कि AI को कैसे पॉजिटिवली यूज करना है। तो आज का फहद का सेगमेंट आपने जरूर देखना है। बिल्कुल, और इसके साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे बुक ट्यूबर शाहरुख नदीम, और वो एक बुक का रिव्यू भी लेके आएंगे, क्योंकि किताब बहुत अच्छी दोस्त होती है। और शाहरुख हमें हर हफ्ते नई किताब से मुतारिफ भी करवाते हैं, एक नई दोस्त हमें देते हैं और बताते हैं कि आपने कौन सी बुक जो है वो आजकल पढ़नी है, कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, आपकी विश लिस्ट में कौन कौन सी किताबें और एड ऑन भी हो सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसमें हम आपको भी रिकमेंड करेंगे और इनक्रेज करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने भी अपनी ज़िंदगी में या हाल ही में कोई अच्छी किताब पढ़ी हो, आपकी नज़र से गुजरी हो और आप उसे रेकमेंड करना चाहें, तो अपना नाम, अपनी जगह का नाम, लेकिन सिर्फ किताब का नाम नहीं भाई, ये चक्करबाजी हम नहीं चलने देंगे कि अच्छा गूगल पे गए, आपने उस किताब के उसका जो कवर पेज है उसके कवर की तस्वीर अपने साथ
खींच के भेजनी ताकि हमें पता चले कि वाकई किताब या अपने हाथ में रख के उसको ये ऑनलाइन गूगल से तस्वीर चोरी नहीं करनी, हमें आपने किताब रिकमेंड करनी है, लेकिन हमें यकीन होना चाहिए कि वाकई आपने किताब पढ़ी भी। और एक आध पैराग्राफ, जैसे शाहरुख हमें बताते हैं कि इस किताब में ये है ये है, एक आध पैराग्राफ लिख के उस किताब में आपने क्या सीखा या वो क्यों आपके लिए अहम किताब है और आप क्यों उसको रिकमेंड करेंगे दूसरों के लिए। तो जो बुक रिव्यू और बुक रिकमेंडेशन का सेगमेंट है, इसको आज से राइजिंग पाकिस्तान में हम आप सबके लिए ओपन कर रहे हैं कि आप भी अगर हमें कोई किताब रिकमेंड करना चाहें तो आप जरूर कीजिए। इसके साथ साथ गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम शफी साहिबा, और उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे, उनके लाइफ को अनफोल्ड करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप उनकी जिंदगी चल रही है उसमें क्या क्या हुआ, क्या वाकयात हुए, क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई और बाकी और भी बहुत कुछ हो। जी हाँ बिल्कुल, मरियम आप सभी जानते हैं कि मरियम शफी हमारी बड़ी जबरदस्त एक्टर और बहुत जबरदस्त डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स के अंदर इनको आप पीटीवी भी और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा ड्रामों में इनको देखते चले आ रहे हैं और देख रहे हैं। तो आज मरियम इस्लामाबाद आई हुई है लाहौर से, तो हमने सोचा कि उनको राइजिंग पाकिस्तान में हम इन्वाइट करें और उनसे कुछ पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहानी उनसे भी सुने। तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो रुशना में और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम कैसे चलाएंगे। हाँ जी, एंड थ्री एंड टू एंड वन।